रुपए देंगे, लेकिन जब आप थे, 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, तब ये कहा थे आपके 2000 रुपए जो आज आप वादा कर रहे हैं। लेकिन ये काम किसने करके दिखाया? आज 2 किश्त हमारी दीदियों बहनों के अकाउंट में है। ये खुशी किसने दी है? ये खुशी महागठबंधन सरकार की अगुवाई कर रहे हेमंत सोरेन जी ने दी है। बिजली बिल 0-0 किसने कराया है? हेमंत सोरेन जी ने कराया है। नारी शक्ति जिंदाबाद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद है आज जगन्नाथपुर में आए हम सभी इस सभा में मंच पर उपस्थित झारखंड की मंत्री आदरणीय बेबी देवी जी, यहाँ की सांसद आदरणीय जोबा मांझी जी, आपके प्यारे चहेते यहाँ के विधायक बड़े भैया सोनाराम सिंकू जी, और साथ ही साथ यहाँ आए दूर दराज से हमारी माताएं बहने, भाई दादा, बड़े बुजुर्ग, आप सभी को मेरी तरफ से जोहार। ये वीर भूमि है हमारे झारखंड के आंदोलनकारियों की, ये वीर भूमि है हमारे उस गुमान की जिसके लिए हम निरंतर लड़ते रहते हैं, और हम अपने सम्मान के लिए, हम अपने अधिकार के लिए, हम अपने नाश के लिए, अपनी नाक के लिए हर वक्त, उस वक्त भी लड़े जब हमारे पूर्वजों के पास अस्त्र शस्त्र भी नहीं था, लेकिन था सिर्फ हौसला, था सिर्फ आत्मविश्वास, था सिर्फ वो मन में ताकत जिसके वजह से उन्होंने अपनी लड़ाई भी जीती, और उनसे प्रेरणा पा करके आज हम अपनी लड़ाई में भी निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी जानते हैं ये झारखंड आंदोलनकारियों की भूमि है। इस झारखंड ने हर एक कोने में अगर आप जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं वीर सपूत नजर आएंगे, और जहां भी इनके स्मारक बनते हैं, जहां भी इनकी जगह होती है, उसको हम देवता की जगह तरह पूछते हैं। और मैं मानती हूं कि उनसे प्रेरणा लेकर के, उनसे ताकत लेकर के हम निरंतर आगे बढ़ने का प्रण भी करते हैं। आप लोग जानते हैं इस साल के आरंभ में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को किस तरीके से बीजेपी वालों ने षड्यंत्र करके जेल में डालने का काम किया, लेकिन उसी विषम परिस्थिति में जब लोकसभा का चुनाव होता है, तो उस लोकसभा चुनाव में हमारे इस कोल्हान से, हमारे इस जगह से, इस गढ़ से आप लोगों ने उनको हटाने का काम किया जो हमारे हितों के बारे में सोचते नहीं हैं, हमारे संघर्ष को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। ये झारखंड में आदिवासियों की तादाद बहुत है, और कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि हमारे इस समाज में आदिवासियों को आदिवासी तक समझा नहीं जाता है। आज आपको जानकर के हैरानी होगी, हमारे विपक्ष के बीजेपी वाले लोग हम लोगों को आदिवासी भी नहीं बोलते हैं, इनको आदिवासी शब्द से चिढ़ है, ये हमें वनवासी बोलते हैं। और जब हेमंत जी की गिरफ्तारी हुई थी तो आप लोगों को जानकर के हैरानी होगी, एक बड़े मीडिया एंकर ने हमारे झारखंड के माटी, झारखंड के बेटे को जंगली कह करके पुकारा था। हाँ, हम जंगल से आते हैं, और ये हमारा गुमान है, हमारे पर्वत, हमारे जंगल, हमारी नदियाँ, हमारी प्रकृति, यही तो हमारी संपत्ति है। और जिस तरीके से हमारे ऊंचे पहाड़ हमें ये सिखाते हैं कि सीना चौड़ा करके, अपना मस्तक ऊंचा रख के अपने जगह में अडिग रहना है, तो ये प्रकृति हमें सिखाता है। अपना धर्म हमको सिखाता है कि झुकना नहीं है, डरना नहीं है, और समझौता तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये कोल्हान की धरती है। कोल्हान के पूर्वजों ने, हमारे वीर सपूतों ने किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया, किसी के सामने में अपना
मस्तक नहीं झुकाया और किसी के साथ समझौता नहीं किया, किसी से डरे नहीं, तो ये कोल्हान की धरती हमें सिखाती है। और हेमंत जी ने भी यही किया। वो इस झारखंड की माटी के पुत्र है और उस माटी के पुत्र में वो खून, वो ताकत उसके अंदर में समाहित है कि किस तरीके से हम अपने मान सम्मान को बचाने की बात करते हैं। हम जिस स्टेज में जाते हैं उस मन से मैं यही बात बोलती हूँ, हमारा अगर गौरव है तो हमारी कला, संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, हमारी भाषा, ये हमारा गौरव है। और हम अपनी हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और हमारे जितने भी विपक्षी लोग हैं, इनके अंदर में कि आदिवासी नेता नहीं है, कि हो नेता नहीं है, ये अपनी आवाज क्यों नहीं बुलंद करते, ये अपने लोगों को आगे बढ़ाने की बात क्यों नहीं करते, हमारी भाषा तक को जगह देने का स्थान नहीं रखते। जब ये अपनी भाषा, अपनी संस्कृति का मान नहीं रख सकते तो ये अपने आप को नेता कैसे कह सकते हैं। जरूर एक नेता झुक सकता है, एक नेता डर सकता है, एक नेता समझौता कर सकता है, लेकिन कोल्हान, कोल्हान की जनता उनको माफ नहीं करेगी जो समझौते से अपना काम करते हैं, जो डर करके अपना काम करते हैं। अगर आप वाकई में अपने क्षेत्र से, अपने कोल्हान के लोगों से प्यार करते हैं तो सीना चौड़ा करके, सर उठा करके अपने आदिवासियों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति बचाने के लिए आपको अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए थी। लेकिन इतने वर्ष हो गए, किसी ने कुछ नहीं किया। कौन लड़ रहा है? लड़ रहा है सिर्फ हेमंत सोरेन, आपका भाई, आपका बेटा लड़ रहा है। हमारी महागठबंधन सरकार इस बार 2019 के बाद जिस तरीके से काम की है, चाहे कोविड के समय में हम लोगों ने अपने झारखंड में भूख से किसी को मरने नहीं दिया, हमारी दीदी बहनें रसोई किचन चला करके बाहर से आए मजदूरों के लिए खाना बनाती थी, थाना में खाना बनता था, स्वास्थ्य कर्मी उनसे जुड़े हुए थे जिनको अपने लोग ही बना के रखते थे। कौन करता था ये काम? हमारी दीदी बहनें करती थी ये काम, अपना परिवार भी चलाती थी, अपनी जिम्मेदारियां घर के साथ साथ अपनी जो उनकी बाहर की जिम्मेदारियां हैं वो भी निभाती थी। और आज आपको मैं बताना चाहूंगी, जिस तरीके से जैसलपीएस की हमारी महिलाएं दीदी हैं, 11,000 करोड़ का क्रेडिट लिंकेज दिया गया है। इससे पहले कभी भी इन दीदियों को इस तरीके की सुविधा कभी नहीं दी गई। तकलीफें हैं अंदर में, लेकिन उसको समझने की सोच होनी चाहिए। जरूरत है अंदर में, लेकिन उसको समझने की आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। लेकिन भाजपा के पास इच्छा शक्ति की कमी है, भाजपा के पास सोच की कमी है। और आज झारखंड में हेमंत सोरेन जी ने, हमारी महागठबंधन सरकार ने इतनी गहरी और लंबी लकीर खींची है कि कितने भी वर्ष बीत जाए, झारखंड के बारे में अगर गहन चिंतन की जरूरत अभी सबसे ज्यादा पड़ेगी इस चुनाव के बाद, तो भाजपा को पड़ने वाली है। पिछले साल में, पिछले रघुवर दल सरकार में क्या हुआ, बताते हैं कि हमने अपना कार्यकाल पूरा किया, 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। झारखंड में आज तक कोई सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है, तो क्या करें हम आपके कार्यकाल पूरा करने का? क्या आपने हमारी झारखंड की आधी आबादी के बारे में सोचा? और आज जब हम मैया सम्मान यात्रा से, और इससे पहले हमारे झारखंड में मैया सम्मान योजना निकली, तो ये सोच कौन लेकर के आया? ये सोच हेमंत सोरेन जी लेकर आए। और आज मंचों से ये बातें करते हैं, हमारी मैया सम्मान यात्रा निकल रही है, आपका अपार प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, तो ये बात करते हैं कि हम जब आएंगे तब हम 2,000 रुपए देंगे। लेकिन जब आप थे, 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, तब ये कहाँ थे आपके 2,000 रुपए जो आज आप वादा कर रहे हैं?
लेकिन ये काम किसने करके दिखाया? आज दो किस्त हमारी दीदियों बहनों के अकाउंट में है, ये खुशी किसने दी है? ये खुशी महागठबंधन सरकार की अगुवाई कर रहे हेमंत सोरेन जी ने दी है। बिजली बिल 00 किसने कराया है? हेमंत सोरेन जी ने कराया है। कृषि ऋण माफी हो गई है, किसने कराया है? हेमंत सोरेन जी ने कराया है। अब वो आवास हो दिया गया है, किसने कराया है? हेमंत सोरेन जी ने कराया है। राशन कार्ड दिया जा रहा है, किसने कराया है? हेमंत सोरेन जी ने कराया है। हमारी बच्चियों को सावित्री बाई फूले की योजना से जोड़ा है, किसने कराया है? हेमंत सोरेन ने कराया है। हमारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल खुले, प्राइवेट स्कूल से ज्यादा अच्छा हमारे सरकारी स्कूल खुले, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुलवाया, किसने कराया? हेमंत सोरेन ने कराया। इस तरीके की योजनाओं की गंगा बहा दी है झारखंड में। और आज आप वादा करने की बात करते हैं, जब आपकी सरकार थी आप क्यों नहीं लेकर आए ये क्रांतिकारी योजनाएं? क्योंकि आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना आता है, आपको अपनी खुद की कोई सोच नहीं है। आप अपने से, अपने जनता के बारे में, अपने लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। ये क्रांतिकारी सोच लाई है तो हमारी झारखंडी सरकार ने लाई है, हमारी महागठबंधन सरकार ने लाई है। और मैं ये कहना चाहूंगी, जिस तरीके से आजकल झारखंड में बाहर से ढेर सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे आप लोगों को जुमले कर रहे हैं, बातें बता रहे हैं, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, लेकिन झारखंड की जनता पहचान चुकी है कि कौन मुंह का बोलता है और कौन वाकई में काम करता है। हम आज आपके समक्ष आए हैं अपने काम के बल पर। आज हम आपके सामने इतने जोश के साथ बोल रहे हैं अपने काम के बल पर। आज हमें हमारे अंदर ताकत आ रही है, क्यों? क्योंकि काम किया गया है इसके बल पर। तो आज इस मन से बस मैं ये कहना चाहती हूँ हमारी जनता, बहनों को, भाइयों को, दादा को, सबको, आप याद रखिएगा, चाहे कितने भी बहरूपिये आए, यहाँ रंग बिरंगे बहरूपिये घूम रहे हैं, उनकी मीठी मीठी बातों में मत फंसिएगा। ये ऐसा लॉलीपॉप दिखा के आपको जाएंगे, यहाँ से बोलेंगे देखो उस पहाड़ में कितना सुंदर दिख रहा है, देखो देखो, और यहाँ से आपको धोखा दे के निकल जाएंगे। ये धरती में जो खुशहाली है, वो अगर खुशहाली लाने का काम किया है तो हेमंत सोरेन जी ने किया है। और गर्व के साथ मैं कहती हूँ कि इस बार का हम लोग भी महागठबंधन सरकार, गर्व से कहते हैं, हम लोग भी अपना 5 साल पूरा करने जा वाले हैं और आप लोग की वजह से पूरा करने वाले हैं। क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता भगवान है, और आपका विश्वास हम लोगों पे है, इसलिए बहुत हम लोगों को और भी मेहनत करनी है और भी संघर्ष करना है। इस उतार चढ़ाव के कार्यकाल को मैं बहुत गंभीरता से लेते हुए, बहुत सुखद अनुभव के साथ, कुछ दुख के अनुभव के साथ मिला जुला करके लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आप जानते हैं अभी तो यहाँ यात्रा एक का पड़ाव खत्म हुआ है, ये तो सिर्फ आगाज है, अभी अंजाम पर पहुंचना बाकी है। और बस सवाल मेरा ये रहेगा, क्या आप सभी को, मेरी माता बहनों को, भाइयों को, दादा को, मैया सम्मान योजना पसंद आ रही है? अपने हाथ उठा करके जहां भी हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, दोनों हाथ उठा के बताइए आपको पसंद आ रही है? ये चलती रहनी चाहिए। ये बात सिर्फ एक राशि की नहीं है, ये बात है हमारे महिला सम्मान की, ये बात है हमारे आत्मसम्मान की, ये बात है हमारे अंदर जो एक छोटी सी आशा जागी है उसको पंख देने की। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोग इतने रात तक यहाँ बैठे हैं और हम लोग की बातों को सुना है, बहुत ध्यान पूर्वक सुना है। लेकिन यहाँ से आप लोगों को संकल्प लेकर के जाना है, जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी लड़ रहे हैं उस तरीके से आपको भी लड़ना है। क्या आप तैयार हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए? तैयार हैं तो हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हमारी महागठबंधन सरकार जिंदाबाद, और सबसे ज्यादा इस मैया सम्मान को जिंदाबाद, क्योंकि इसी के वजह से हम आपके
समक्ष अपनी बातों को रख पा रहे हैं और मैं इस मंच से आदरणीय हमारी मंत्री बेबी देवी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्हीं की वजह से हम इस यात्रा में सम्मिलित हो पाए हैं। आज इन्हीं के विभाग से आपको जो खटाखट पैसे मिल रहे हैं मैडम के विभाग से हैं, तो जोरदार तालियां मैडम के लिए, हमारी बेबी देवी जी के लिए, क्योंकि एक मैया ने हमारी लाखों मैयाओं के चेहरों में वो खुशियां दी है, वो चमक दी है और वो विश्वास जताया है कि किस तरीके से एक माँ पूरी लाखों महिलाओं के चेहरे में खुशियां ला सकती हैं। और आप लोग यहाँ आए हैं, हमारी बातों को सुना है, सभी को मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ, नमस्कार करना चाहती हूँ, आदाब करना चाहती हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है इस कार्यक्रम को और सुसज्जित करने के लिए, बहुत धन्यवाद है। आपकी ताकत लेकर के हम फिर आप लोगों के समक्ष आएंगे और आप लोगों का आशीर्वाद लेके अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद, जय झारखंड।